सो है दोस्तों, टेक्नोरेक इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको देखने वाला हूँ कि आप किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर पोर्ट्रेट मोड कैसे इनेबल कर सकते हैं, वो भी एक ऐप के जरिए, वो कि जो कि बड़ा ही आसान है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर एक ऐप डाउनलोड करना है जो कि आफ्टर फोकस है। इसका नाम आपने सुना होगा और देखा भी होगा ये ऐप, लेकिन मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। बहुत अच्छी रेटिंग है, डाउनलोड्स इसके काफ़ी सारे हैं। तो मैंने सिंपली पहले से इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं जाके इसे ओपन कर लेता हूँ और आपको इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो इसका इंटरफेस आपको बहुत ही सिंपल मिलता है। कैमरा, एल्बम और प्रोजेक्ट के तीन ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप कैमरा में जाएंगे तो आपको सारे कैमरा यानी लाइव फ़ोटो खींच सकते हैं, और एल्बम में जाएंगे तो ऑलरेडी सेव फ़ोटो आप ओपन करके उन्हें एडिट कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट में जाके जो आपके प्रोजेक्ट सेव हैं उनको आप एडिट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं और एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो सिंपली मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ, और उसके बाद आप जैसे कि देख सकते हैं फ़ोटो क्लिक हो गया है। तो हम इसको अब ऐप में खोलते हैं। इसको ओपन करने के बाद हम बटन दबाएंगे एंड देन ये आपको ऑप्शन देगा स्मार्ट और मैनुअल। इन दोनों में ये अंतर है, मैनुअल में आपको पूरा जो एरिया है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आपको ब्लर नहीं करना, लेकिन स्मार्ट में सिर्फ आपको मार्क करना है और वो एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम अभी के लिए स्मार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद ये पिंच एंड जूम करके सिलेक्ट करने को बोल रहा है। तो हम सिंपली पहले फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके जो हमारी ऑब्जेक्ट है उस पर एक लाइन खींच देंगे ताकि वो सिलेक्ट हो जाएगी। फिर जो बैकग्राउंड वाला बटन है उससे बैकग्राउंड हम डीसेलेक्ट कर देंगे ताकि बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। तो सिंपली आपको ये दो चीज़ें करनी है जिससे आपका वो प्रोसेसिंग में ले लेगा, ब्लर कर देगा। फिर आपको सिंपली ऊपर नेक्स्ट दबाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी फ़ोटो ब्लर हो चुकी है। फिर उसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं कि आप उसे कैसे ब्लर करना चाहते हैं। फैदर शेप दे देते हैं और आपको इफ़ेक्ट भी मिल जाते हैं इसमें बहुत सारे। सिंपली आप उसे फिर सेव कर सकते हैं फिर। और ये ऐप ऐड भी कंटेन करता है, यानी थोड़े ऐड है, ज़्यादा नहीं है, अनोइंग नहीं है, आपको परेशान नहीं करेंगे। तो आखिरी में ही आता है मेनली ऐड, फिर प्रोसेसिंग करके सेव कर देगा फ़ोटो को। तो अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ फ़ोटो में क्या अंतर आया है। तो ये अंतर था जो हमने लिया था फ़ोटो, मतलब इस पर एडिटिंग नहीं हुआ है, ये वाला फ़ोटो है। और ये फ़ोटो आप देख सकते हैं जो कि एडिटिंग करके पीछे का बैकग्राउंड ब्लर कर दिया है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहता हूं और लाते रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।